कौन है साउथ के सलमान खान? क्या एनटीआर नेता भी थे कभी? क्यों है आरआर की रिलीज को टालने का फैसला गलत? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और स्वागत करती हूं आपका आपके मन पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की इस खास पेशकश में। अपनी एक्टिंग और अपनी दमदार फाइटिंग स्टाइल से लोगों को दीवाना बनाने वाले जूनियर एनटीआर को कौन नहीं जानता। 1983 में हैदराबाद में जन्मे जूनियर एनटीआर अपने जमाने के पॉपुलर एक्टर और आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके एनटी रामा राव के पोते हैं। एनटीआर ने अपनी कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए नंदी अवार्ड, आईफा अवार्ड, फिल्मफेयर बेस्ट तेलुगु अवार्ड हासिल किए हैं। 2009 के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के प्रचार के बाद हैदराबाद लौट रहे जूनियर एनटीआर की कार का नलगोंडा के सूर्यपोर्ट में एक्सीडेंट हो गया था। बाद में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका इलाज हुआ। जूनियर एनटीआर ने बचपन से ही फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी। उनके दादा खुद फिल्मों में एक्टर और डायरेक्टर के रूप में मशहूर थे, ऐसे में उन्हें परिवार का पूरा समर्थन मिला। बता दें, साल 2010 में एक वकील ने जूनियर एनटीआर के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि जूनियर एनटीआर जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। बाद में लड़की के 18 साल पूरे होने के बाद उन्होंने शादी की। उन्होंने रियल स्टेट बिजनेसमैन नानी श्रीनिवास राव की बेटी लक्ष्मी से शादी की है। जूनियर एनटीआर ने अपने करियर में लगभग साउथ की हर एक्ट्रेस के साथ काम किया है, लेकिन भूमिका चावला के साथ उनके अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। याद दिला दे कि भूमिका चावला सलमान खान के साथ सुपरहिट फिल्म तेरे नाम में नजर आई थी। जूनियर एनटीआर अपने 20 साल के करियर में कई धमाकेदार रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्हें टॉलीवुड का सलमान खान भी कहा जाता है। जूनियर एनटीआर के तारक के नाम से भी बुलाते हैं। 2001 में स्टूडेंट नंबर 1 से जूनियर एनटीआर ने करियर की बतौर मुख्य अभिनेता शुरुआत की। जूनियर एनटीआर लंबे समय से सबसे ज्यादा फीस वाले एक्टर्स में शामिल है। जूनियर एनटीआर फिलहाल राजामौली की फिल्म आरआरआर में काम कर रहे हैं। जी हाँ, वही आरआरआर जो लगातार अपनी रिलीज को लेकर चर्चा में बनी हुई है। कभी 13, कभी 26, तो कभी 21, तो कभी ईद, इन सभी डेट को खारिज करती हुई अब आरआरआर ने भी फिल्म को रिलीज ना करने का मन बना लिया है। मानो आरआरआर कोरोना को चैलेंज कर रही है कि तू जिद्दी है तो हम भी तुझसे ज्यादा जिद्दी हैं। अगर तू नहीं जाएगा तो हम अपनी फिल्म रिलीज ही नहीं करेंगे, ये हमने भी ठान लिया है। आरआरआर का ये रिलीज ना करने का फैसला ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि ऐसा करना इन पर भी भारी पड़ सकता है। कैसे देखें हमारी आने वाली वीडियोस? साथ ही आपको क्या लगता है, क्या आरआरआर का रिलीज टालने का फैसला सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए और सेफ रहिए।